Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 के जो इनिशियल स्टेज है उसके आखिरी मैचेस जारी हैं। आज पहला मैच खेला गया लाहौर और पेशावर के दरमियान, जिसमें लाहौर को शिकस्त हुई, जो कि कराची किंग्स के लिए एक अच्छी खबर बन गई। किसी की हार पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अब आज का मैच ऐसा ही रहा है। पेशावर ने एक बार फिर जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, बहुत सारी तालियों की सूरत में मुबारकबाद देते हैं पेशावर को। क्वेटा और इस्लामाबाद का मैच इस वक्त जारी है। क्वेटा ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए हैं। देखते हैं कि इस्लामाबाद इसको कितना अच्छा चेस कर पाता है। नहीं, अगर हम अभी स्कोर बता सकें तो हम क्विकली बता देते हैं। अच्छा, अभी नहीं बता सकते, चले ठीक है। अभी आई थिंक इनिंग्स का आगाज भी होना है। और हमारी आज की मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको आपने जिस भी रूप में देखा बहुत ज़्यादा पसंद किया, उनकी एक्टिंग के आप सब मद्दा हैं। और एक ऐसा वक्त के जब जाहिर है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का एक सैलाब है, एक समंदर है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है अपना अलग से एक शनाख्त बनाना, अपनी अलग से एक पहचान बनाना, कि जब कुछ ही एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के नाम लिए जाएँ तो उसमें आपका नाम आए बगैर लिस्ट मुकम्मल ना हो। ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और बहुत यंग एज में ऐसा किया। हमारी आज की मेहमान आप लोगों की बहुत सारी तालियों में, नीलम मुनीर साहिबा। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ वसीम, थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ। आई वाज वाचिंग ऑन सोशल मीडिया, सो लाइक मैं इस शो का पार्ट हूँ। आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम ग्लैड दैट यू आर पार्ट ऑफ द शो। सोशल मीडिया की बात ना करें, वैसे सोशल मीडिया पे तो पता नहीं अभी लाइव चल रहा होगा, कमेंट्स आ रहे होंगे नीचे। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या मशहूर हो जाता है ना, मैं ऐसे ही कह रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग फॉलो कर रही है। हाँ, लास्ट टाइम आप मुल्तान सुल्तान की एम्बेसडर थी, जब आपको मौका नहीं मिला पीएसएल में किसी टीम का एम्बेसडर बनने का, टाइम नहीं मिला। वसीम, दो तीन टीम्स थी राइट? हाँ। लेकिन डबिंग्स चली थी फिल्म की, तो बिल्कुल जाना नहीं हो पाया। लेकिन अब चूंकि कराची में आ रहा है पीएसएल, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। आपकी सपोर्ट, पूरी टीम की सपोर्ट है आपकी? आई एम विद एवरी टीम दिस, विद एवरी टीम, हां विद एवरीवन, डिप्लोमेटिक, हां, डिडंट साइन एनी स्पेसिफिकली, तो आई एम विद एवरीवन। आई विश राणा फवाद, यू नो, उनके लास्ट मैचेस में उनके साथ। बट अब राणा फवाद साहब की टीम का बासित भाई, आज के मैच लाहौर के हारने के बाद चांस बहुत कम हो गया? नहीं नहीं, अभी भी चांस है। नहीं, मतलब मैं नहीं कह रहा खत्म हो गया, नहीं है। अच्छा, बहुत कम नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ओके। इस्लामाबाद कराची लाहौर अभी बराबर है। तनवीर भाई, आप अग्री करते हुए नजर नहीं आ रहे कोई बासित भाई से मुझे? नहीं नहीं, अभी दो, अभी चांस है, दो मैच बाकी हैं। तो अभी एक टीम जिस जो कंफर्म आउट है वो मुल्तान है, बाकी हर टीम का चांस है कि वो इस्लामाबाद अगर आज हार गए इनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेटा और पेशावर तो कंफर्म इन है, वो तो चलेगा। अब कराची लाहौर और इस्लामाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद, आज कौन सी टीम हारे तो कराची किंग्स का फायदा है? हम तो इसी पे चल रहे हैं ना, वो उससे हार जाए, इस्लामाबाद हार जाए तो फायदा है। चला मैच का भी हम स्कोर दिखा सकते हैं, हम अपने मेहमान का तारुफ कराऊँ। चले जी, हमारे आज के यहाँ जो तशरीफ़ फरमाए मेहमान, मेरे तो बड़े सीनियर भी हैं, इनसे मैं बहुत सीखता हूँ और इनको भी मैं अब ज़रा आजकल इत्तेफाक है कि इनसे ज़रा रब्ता कम हो गया है, वरना मैं अक्सर अपने अल्फाज की तसहीह करने के लिए, और ये बताते थे मुझे कि देखो ये लफ्ज़ सही है और ये लफ्ज़ गलत है और ये लफ्ज़ गलतुल आम है, तो ये इनकी मैं अगर इनकी अपनी मुतारिफ़ करदा टर्म में ही मैं इनका तारुफ कराऊँ तो हमारे आज के डमी म्यूज़ियम के मेहमान हैं जनाब आफ्ताब इकबाल साहब। सालम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका, आपने इस खाकसार को जहमत दी। सर, आपकी चाय भी साथ में कर। जी सर। हाँ, वो साथ में आप चाय पी ले, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे प्रोग्राम में आप मेजबानी ऐसे धड़ल्ले से कर रहे हैं। नहीं सर, ये नहायत बेहुदा हरकत है, माजरत के साथ, बहुत ही बेहुदा हरकत। मेरा प्रोग्राम है, मैं खवातीन हजरात आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। भाई मुझे बात करने, खवातीन हज़रात आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ आज के हमारे प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में। मैं हूँ आपका मेजबान आफात एक बार और मेरे साथ मौजूद है वसीम बादामी। वसीम बादामी के हवाले से, वसीम बादामी के हवाले से बात बताता चलूं कि इनका तल्लक खानदानी तौर पे आखिरी मुगल हुक्मरान लॉर्ड माउंटबेटन के खानदान से मिलता है? नहीं, नहीं मिलता सर। हाँ, बेसब्र इंसान, बात कर रहा हूं, बात करने दो इनके। इसके अलावा जंग आजादी में वसीम बादामी की बड़ी खिदमात है। जब ये बगावत करते हुए अंग्रेज अफसरों ने इनको पकड़ लिया तो इन्होंने एक मशहूर जुमला का, जो बाद में मलका तरन्नम मैडम ने अपने गाने का हिस्सा बनाया, बहुत मशहूर जुमला। वो कौन सा जुमला था सर? वो था नीमे कलाशन कोफ निशाना डस डस बजना। नहीं सुना तो कलाशन को निशाना डज डज बजदा। हम ये भी कर लेते हैं। अगला जुमला मैं कहना नहीं चाहूंगा। थैंक यू सर। इसके अलावा वसीम बादामी की फिजिक्स की दुनिया में बड़ी खिदमात है। कोई नहीं खिदमात सर मेरी। कहा जाता है कि जब नेपोलियन नशई
درخت کے نیچے سر وہ نیپولین نہیں تھا معذرت کے ساتھ نیوٹن تھا سر وہ یہ غلط العام ہے یہ بھی غلط ہے نیوٹن نہیں تھا وہ نیپولین تھا ٹن ہو کے وہ درخت کے نیچے سو رہا تھا اچانک اس کے سر پہ سیب گرا وسیم بادامی وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کے اسے کہا کہ اے نشئی انسان تیرے سر پہ سیب گر گیا ہوش کر اس نے اس کے جواب میں کشش ثقل کا قانون ایجاد کیا تو یہ ان کی خدمات ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہیں مردانہ پھولن دیوی جناب باسط علی صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں سر ان کے ساتھ ایک اور مردانہ مردانہ چیز بیٹھے ہوئے جن کا نام ہے تنویر تنویر بہت ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں افراد خواتین و حضرات انتہائی مدلل آرٹیکولیٹ ٹو دا پوائنٹ اور تیر با ہدف قسم کے تجزیے سر میرا پرائم ہے سر مجھے تعارف کرا لینے دیں گا میں بات کر چکا ہوں ان کی یہ تیر با ہدف قسم کے تجزیے نہیں کرتے مطلب جو میں تجزیہ کرتا ہوں اس کا تو یہ 2.5% بھی نہیں کرتے سر کرکٹ ایکسپرٹ اس کے بعد میں تعارف کراتا چلوں اگر پاکستان میں ایکٹنگ میں سر میں نے تعارف کرا دیا میں نے تعارف کرا دیا بے صبر انسان مجھے بات کرنے دو مجھے بات کرنے دو ایکٹنگ میں ڈانس میں حسن میں اور بلا شبہ دیگر جتنی فنون لطیفہ کی اقسام ہیں اگر ان میں کوئی آفتاب اقبال کو کمپیٹ کر سکتا ہے تو وہ نیلم منیر آپ ہیں ایک دفعہ ان کے لیے بہت ساری تالیاں نیلم منیر کو آپ زنانہ آفتاب اقبال بھی کہہ سکتے ہیں اگر ان کی مونچھے رکھوا دے اس سال میں ان کے بال کٹوا کے پیچھے کروا دے تو بالکل آفتاب اقبال بن جائے گی آفتاب اقبال اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں گے میری مونچھے کاٹ دے اور میرے یہاں پہ دل لگا دے اور میرے بال لمبے کر دے تو میں نیلم منیر لگ سکتا ہوں پیسے لوٹو پیسے لوٹو کیوں لوٹوں کون سے پیسے کیا ہو گیا ارے وسیم بدامی بھائی کیا حال ہے جیدا رفڑی عرف دلہا پچھاڑا نہیں آپ نے بالکل نہیں اور شکر ہے وسیم بھائی آپ کے شو میں آئے خوبصورت چہرے آئے ہیں نیلم منیر صاحب تو روزانہ جو مہمان آتے ہیں وہ کیا مطلب وہ ٹیڑھے کرخت منہ والے بندے آپ بلاتے ہیں بھائی جان اللہ معاف کرے دیکھ دے کے آپ کے سارے مہمان رسپیکٹ ویسے نہیں سارے مہمان ٹھیک ہیں لیکن یہ واسط بھائی ماشاء اللہ دیکھو کتنے پیارے ہیں ایسے بندے پھانسی لگنے سے 20 منٹ پہلے آگے پوچھتے ہیں آپ کی آخری خواہش کیا ہے سر آپ تو سر میں بات کر بھائی جواب جواب بھی تو سن لیں یہ بندہ بیٹھا رو رہا یہ گواچا ہوا ہے ان کی ہنسی نکل رہی ہے اچھا ہنسی نکل رہی تنویر بھائی بیٹھے ہمارے ہیرو جی جی ایسے بندے اپنی بیاہ پہ رولا ڈال دیتے ہیں کیوں کیا مجھے بوتل نہیں ملی جانی واپس جائے گی یہ سب کچھ آپ کی شادی میں ہوا دوسروں کو آپ کہہ دیتے ہیں 20 روپے کی بوتل باہر سے لے لے لڑائی کر لی ڈال رہے ہیں اور اوپر سے یہ چار بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے سینئر پریڈکشنز کرتے ہیں لوگ وہ علی محمد بھائی ماشاءاللہ جی جی اتنے معصوم آدمی ہیں واقعی معصوم آدمی ہے معصوم آدمی یہ بات صحیح ہے نیلم منیر جی کا گھر بیٹھ کے ڈراما دیکھ رہے ٹی وی پہ اچھا بیچ میں وقفہ ہوا تو ادھر ہی اٹھ کے سموسے بیچنا شروع کر دیے علی بھائی آپ تو سر سر میں بات کر رہا ہوں سر بات کر رہا ہوں اور کنان بھائی کنان بھائی ٹاپ پہ جا رہے ہیں سارا بازی کے ساتھ نام بڑا پیارا ہے ان کا کنان میں نے دو کنان میں کوٹھی بنائی ہے دو کنال ہوتا ہے تو جو یہ وہ نہیں یہ کنان ہے اور یہ بھائی جان ماشاء اللہ کتنے پیارے شہید سینئر ایسے بندے الف لیلا میں نا مشکل ویلے آ کے راستہ بتاتے ادھر سے سیدھے ہو جاؤ سر آپ سر آپ تو سر بات وہاں پہ ایک تیتر بیٹھا ہوگا اس کی گردن مروڑو گے نا تو آفتاب اقبال چپ ہو جائے گا سر سر بس کریں پرزے نکل جائیں گے آپ کے سارے اگر ان ساروں سے تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے سکون آتا ہے تو سیاست دان ایسے ایسے بلاتے ہیں جن کی باتیں سن کے کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو اچھے نہیں لگتے سیاست دان جتنے سیاست دان آپ کے شو میں آئے نا جی جی بندہ اپنی پھکی بنائے نا
उसके लिए जो डिब्बी बनाता उस पर उनकी तस्वीर होती है। सच्ची बात मैं बता रहा हूँ आपको, और आप तो खूबसूरत आदमी है, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। अब आज के मेहमान से आपको कंप्लेन, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज नीलम मुनीर साहब आई हैं, इनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी। अच्छा, कितने बड़े? इनके मैंने ड्रामे देखे, इनकी फिल्में देखी, इनको कमर्शियल में देखा, और खास तौर पे इन्होंने जो गाड़ी के ऊपर डांस किया था, गाड़ी के ऊपर नहीं होता, ये गलत नाम है, क्यों नीलम, ये गाड़ी के अंदर था, ये सलाह करें इसकी वसीम, सलाह करें। यार भाई जान, ये तो बंदा हर काम में लात अड़ा देता अपनी, क्या कोई काम करना ना देखो, जो उसे के नहीं पता, उसको नहीं पता, बाहर बंदा केले बेच रहा था, हाँ। उसकी रेड़ी में से उसको उठा दिया, तुम्हें केले बेचने का पता नहीं, उठो सर, आप सर केले क्या केले वाले के केले वाले के पास बैठ गया, तुम्हें नहीं बेचने, ये जो केले है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बागों के केले हैं, उसकी भी तारीफ बताना शुरू हो गए। हाँ, उसको जब ये केला लगा ना चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मौर्य क्यों पड़ा, ये मौर्यों वाले घर में रहते थे, मौर्यों से बाहर देखते थे, तो उसको कहते ये गलतुल आम है, आम बेच रहा बंदा, उसको कह रहा जो तू आम बेच रहा ये गलतुल आम है, क्या मतलब? कहता भाई ना, आपने लेने कितने में गलत गलत निकाल देता हूँ, बाकी दे देता हूँ, गलत आम यार वो नहीं होता, आप नहीं, हर काम में डायरेक्शन देते भाईजान। अच्छा। इनको को एक्टिंग का पूछ लो उधर हिस्सा डालेंगे, कारोबार का पूछ लो उधर हिस्सा डालेंगे, तालीम का पूछ लो उधर हिस्सा डालेंगे, मुल्क में कितने दरिया है, ठंडा पानी गर्म पानी, सब पता है, तारीख का पता कर लो, वो भी इनको पता है, ये तो सर अच्छी बात, ये टैलेंट होता है वसीम, जहाँ तक लोगों से घबराना नहीं चाहिए, औरतों को कहते खाना पकाना भी मुझसे सीखो, अच्छा आपस बैठा बने हुए हैं अपनी तरफ से, चल उनको कहते कीमा पकाने के लिए इतना तो लंबा अदरक काटो, इतनी इतनी मिर्च काटो, और ऊपर प्लेट रख के दाएं बाएं आटा लगा दो, और दो रोटियों का आटा होता है, ये सारा हांडी का लगवा देते, डिफरेंट करते हैं ना, वैसे ये बदामी भाई मैं इधर आया हूं, अपनी जमीनें बेच के, ट्रैक्टर बेच दी है, मच्छे बेच दी है, सब बेच दिया, मैं नीलम मुनीर के पीछे आया हूं, ओए होए, वैसे रिश्ते मेरे पीछे बहुत थे, आपके पीछे, हाँ रिश्ते भी थे और रिक्शे भी थे, अच्छा तो मैं शादी करने के लिए आया हूँ, अगर वो हम ही भरते ना तो वसीम भाई समझते हैं, अरे वाह शर्म आ रही है नीलम को, शर्म आ रही है, आप बता देती चेता रफड़ी कैसे रहेगा इनके साथ, सबको तो पता ही है, वैसे जैसे जवाब भी बोले ले भाई, मेरी और नीलम की दोस्ती बहुत पुरानी है, अच्छा तो मैं बता सकता हूँ कि नीलम को अपने लिए किस किस्म का जीवन साथी चाहिए, ये आपका हाथ स्लो हो गया, आपने इधर ग्रीस दिया करें, ऐसे ऐसे चलता रहे, मैं एक्चुअली बहुत वैसी, मैं मेरा फोन इसीलिए साइलेंट पे रहता है कि बहुत रिश्ते आते हैं, मैं इधर आए तो यहाँ पे भी धुलाता है, बताओ, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई मुझे एतराज नहीं है, अगर आप बता, लेकिन अगर आप शर्मा रही है, जैसे कि आप शर्मा रही है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं बता देता हूँ कि आपको शर्मा किस किस्म का जीवन साथी चाहिए, ये बताएं, नेक हो, शरीफ हो, ये बताएं, अल्लाह का बंदा हो, नेक शरीफ और अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, एक और मैं बता देता हूँ, कद लंबा हो, गुफ्तगु में उसकी रवानी हो, बात सलीस उर्दू में करता हो, इसके अलावा खुश लिबास हो, खुश शक्ल हो, होंठ गुलाबी हो, गाल अनाबी हो, आंखें बदामी हो, और नाम और नाम और नाम आंखें आंखें बदामी हो और कान वसीम हो, है ना आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क और फूड पांडा के कूपन्स भी आपके लिए हैं जो कि आपके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैच की अगर हम अभी अपडेट दे सकते हैं इससे पहले कि हम कटेरा का बाकायदा आगाज़ करें तो मुझे बता दीजिए या अभी कमर्शियल चल रहा है। अच्छा जी, मैच भी हम
दिखा देते हैं क्या हम स्कोर बता सकते हैं? चले अभी कमेंट चल रहा है. ओके, तो ये हमारा सेगमेंट है कटहरा, जिसमें अपने मेहमानों से कुछ मासूमाना सवाल करते हैं. तो आज के हमारे मेहमान हैं नीलम मुनीर साहिबा. मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अगर आप तशरीफ लें. आप कटहरे की मेहमान ये क्या था? जलेबी भाई बहुत खुश हो रहे हैं. अच्छा ठीक जी. नीलम साहिबा कैसी हैं? मजे में बिल्कुल ठीक. टीवी पे तो इतना बड़ा लगता है छोटा सा. सही है. तो आपने देखा ये सेगमेंट देखने का इत्तेफाक हुआ आपका? बिल्कुल. ओके, तो इसके आगाज में हर मेहमान इस बात का इरादा करता है कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी. राइट. अच्छा, वैसे ये बताएं आजकल पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और दुनिया भर की इंडस्ट्री में बड़ा ये शोर है एक चीज का, मी टू हैरेसमेंट. हाँ जी. आप इस इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इट रियली एग्जिस्ट पाकिस्तानी इंडस्ट्री पूछ रहा हूँ, या जितना इसके बारे में हम सुनते हैं उतना भी नहीं है, ये हम एग्जैजरेटेड वर्जन सुनते हैं इसका, आपके ख्याल? फॉर मी लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे यू नो लोगों में हिम्मत आई, इनफैक्ट लड़कियों में हिम्मत आई है और करेज आई है, और ज्यादती ना कि सिर्फ लड़कियों के साथ, जिसके साथ भी ज्यादती होनी चाहिए उसे आवाज़ उठानी चाहिए. सही है. और मी टू हैशटैग जो वो डेफिनेटली एग्जिस्ट एंड रियली हेल्प यू आउट. और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हैरेसमेंट इज अ सीरियस इशू या ठीक है, इतना भी बड़ा इशू नहीं है? अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए आई कांट से, लेकिन होता होगा फॉर श्योर. लाइक इट डजंट मैटर कि लाइक इंडस्ट्री में इसलिए हो रहा है, आप बाहर जाते हैं फिर भी होता है. अक्सर आप किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहते, लोग आपके आगे हाथ कर लेते, वो हैरेसमेंट तो वहीं से शुरू हो गई फॉर मी, यू नो. तो इट डेफिनेटली एग्जिस्ट. योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस फील्ड में, इस हवाले से? थैंक गॉड. राइट. आपका क्या ओपिनियन है ये मीशा शफी वर्सेस अली जफर एपिसोड पे? आई डोंट नो, उनका अपना ओपिनियन उनके साथ है, बट बीइंग अ गर्ल आई थिंक मीशा ने एक अच्छा स्टेप लिया कि यू नो एटलीस्ट लिखा, लोगों में हिम्मत आती है. अगेन आई विल से कि आम लड़कियां भी देखती हैं उसे एंड दैट्स देयर मैटर. वो ज्यादा आप उनको बुला के पूछे तो दैट्स परफेक्टली फाइन. आपका ओपिनियन? बट बीइंग अ गर्ल आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि आपको बहुत करेज चाहिए होती है. हुआ नहीं हुआ दैट्स अनदर थिंग, अगर ना भी हुआ तो भी लिखना यू नो एक बहुत बड़ी करेज है. ना भी हुआ तो, ना हुआ फिर तो नहीं लिखना चाहिए. नहीं लिखते ना लोग, यही तो मैं बोल रही हूँ, नहीं लिखते लोग यू नो. राइट. लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि नहीं हुआ होता फिर भी लिख देते हैं? ऐसा भी होता है? यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें डिफरेंट देखने को मिलती हैं, यू नो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई वोंट से इट. बट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. अच्छा, ये अभी जिस हवाले से इन्होंने भी तस्करा किया, वो एक वीडियो जिसमें बहुत बात हुई, आप परेशान हुई उससे जब वो, या कौन सी माही वे की यू टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल परेशान नहीं हुई, आई ओन इट, और अल्लाह ने तो मुझे उससे बहुत ज्यादा इज्जत दी है, तो मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ. आपकी फ्रेंड उस वक्त आपके साथ थी, उन्होंने वो? हाँ, मेरी दोस्त है, मेरे साथ थी. वो अब तक आपकी दोस्त है वो? नहीं. उस इंसिडेंट के बाद? नहीं, आई डोंट नो. लेकिन हम लोग बातें तो करते हैं, लेकिन दोस्ती वही है यार, इट डजंट इफेक्ट मी एट ऑल. इनफैक्ट लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया मुझे, व्हाट एल्स आई वांट. सही. पाकिस्तान के जो मॉर्निंग शो होते हैं, क्या ओपिनियन है आपका उनका, कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, आई लाइक इट. डिपेंड. आपको कोई मॉर्निंग शो होस्ट करने का काज आप करेंगे? मुश्किल है. वजह? I don't know, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा एंटरटेन कर सकती हूँ अभी एट दिस पॉइंट, बिकॉज मैं इस वक्त ड्रामास कर रही हूँ, तो मेरा फोकस उधर है, फिल्म के ऊपर है, चीज़ों के ऊपर है. मॉर्निंग शो भी मेरे लिए आई थिंक बहुत जल्दी है. मॉर्निंग शो अवेयरनेस ज़्यादा फैला रहे हैं या सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स और डिप्रेशन ज़्यादा फैला रहे हैं? अवेयरनेस भी होती है, ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्लेक्स है, अवेयरनेस भी होती है. पाकिस्तान के जो ड्रामास हैं वो सोसाइटी में अवेयरनेस और एंटरटेनमेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स और डिप्रेशन ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? अवेयरनेस 100%. और आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो ड्रामास हैं वो पाकिस्तान की सोसाइटी के सही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? बिल्कुल हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है. आई थिंक हम ड्रामास पे ज़्यादा काम करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी शेयर करते हैं एज एन एक्टर इंडिविजुअल होके, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ है, अच्छा मेरे फलाने की तरफ ऐसा हुआ था तो फिर उसने ऐसा किया था, यू नो, तो वो सब मिक्सअप होके पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कैसी है पाकिस्तान की? बहुत अच्छी, आई लाइक इट, मुझे तो बहुत पसंद है. कराची वर्सेस लाहौर फिल्म इंडस्ट्री, ये क्या मसला है? हमेशा हम सुनते हैं, क्या है ये मामला? रियली कोई मसला है? क्या है मसला है? नहीं है क्या? आई डोंट नो क्या मसला है. ये टर्म्स नहीं इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में? नहीं, मुझे तो कभी नहीं. जावेद शेख साहब यहाँ बैठे थे, उन्होंने, हाँ मैंने वो शो देखा था. ओके. बट मसला तो है ना, तभी उन्होंने कमेंट किया. क्या मसला है मुझे नहीं पता, कैन यू प्लीज रिपीट? कोई राइवलरी नहीं है? नहीं मुझे तो. ऑफ द रिकॉर्ड तो सब बताते हैं हमें, ऑन कैमरा नहीं. नहीं नहीं, सीरियसली आई डोंट नो, वाकई में व्हाई वुड आई से कि हाँ नहीं ये वो. ओके, अब आप बताइए इस पर क्या बात. हाँ नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट. एक किसी रमजान ट्रांसमिशन में आपका किसी एक एंकर के साथ कोई क्यों, क्या मसला हो गया था, वो क्या था? ओह, यू टॉकिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? रियली? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता. यू टॉकिंग अबाउट हिम? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम. फिर एक आज टीवी की ट्रांसमिशन थी,
रमजान ट्रांजिशन के बाद कोई एक गेम शो था और उसमें कुछ किस तरह इशारा कर रही थी अच्छा नहीं मैं किसी और की बात समझ रही थी उनके बारे में क्या रहा है आपकी किनके बारे में जिनकी आप बात कर रहे हैं हो सकता है जिनके बारे में आप सोचें उनके बारे में मैं ना सोच रही अच्छा हमने देखा है कि देखा ये प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका के बेटे के साथ हमने आपकी कुछ हाँ जी हाँ तो जी वो क्या कैसे मुलाकात हुई क्या नो इट्स सच अ ऑनर मुझे मैं वही बोलती हूँ मैं मेरी नियत साफ है और अल्लाह ने मुझे हर जगह बहुत इज्जत दी है और मैं आई वॉज देयर फॉर अ शूट और वहाँ पे मुलाकात हो गई लॉबी में यू नो बाकी काफ़ी सारे लोग थे पाकिस्तानी भी थे जो मिल रहे थे और यू नो पिक्चर्स ले रहे थे सो इज लाइक कि अच्छा हुई शी फिर बताया कि एक्ट्रेस एंड ऑल तो यू नो फिर मुझे ये बताएं हमारी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को इंडिया जाना चाहिए काम करने के लिए आपके ख्याल में जो जो सूरत हाल अभी है मुझे तो नहीं लगता क्योंकि यू नो इंसान को वहीं जाना चाहिए जहां से प्यार मिले इज्जत मिले जहां पे मुस्तकिल नफरतें मिले वहां पे जाने का कोई तरीका नहीं हमारे अब तक जो रिसेंटली जो भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस गए हैं इन द रिसेंट ईयर्स आपके ख्याल में उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट मिली है लाइक मेरे लिए तो यकीनन 100% मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ अब मिली है नहीं मिली है मुझे तो इस पर वो नहीं है जैसे उनको रोल्स मिले हैं वहाँ की यानी आपको लगता है कि हमारे कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस ज़रा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जो यहाँ पर ए कैटेगरी के रोल्स कर रहे होते हैं वहाँ पर वो सी कैटेगरी के रोल्स करने को भी तैयार हो जाते हैं नहीं नहीं हमारे आई डोंट थिंक सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा बेहतरीन आप देखें आप हो गए उमर शरीफ हो गए सखावत हो गए कितने सारे ऐसे लोग हैं इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाके ऐसा कुछ हुआ होगा कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होगा मूडी है अपनी मर्जी से काम किया है आई डोंट थिंक सो एट ऑल तो फिर आपने क्यों कहा कि वहाँ पे तो जहाँ से मुस्तकिल नफरतें मिलती है वहाँ नहीं जाना चाहिए तो आप यू सी द कंडीशन के क्या हो रहा है अभी क्या हाल है बट इज दिस द केस ऑलवेज आई बिलीव कि अब बोलना तो खैर नहीं चाहिए लेकिन हमें मुझे लगता है कि वहाँ से हमेशा ये मसला रहेगा और अगर ये मसला चलता रहा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कश्मीर अलग हो जाएगा और भारत के अंदर ही कोई मूवमेंट शुरू हो गया वो अलग हो जाएगा आई एम सॉरी बट आई एम सेइंग इट आई फील लाइक यू नो मैं मैसा नाम ले लेता हूँ कुछ वीना मलिक साहिबा ने वहाँ पे काम किया रीमा मीरा साहिबा ने काम किया आपके ख्याल में कॉम्प्रोमाइज़ किया या ठीक काम किया रोल्स के मुझे नहीं लगता दे वेरी क्लेवर और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं वो लोग उन्होंने मुझे नहीं लगता कि इंडिया जाने के लिए रोल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होगा यकीनन खुशी कॉम्प्रोमाइज़ से मुराद मेरी ऑफ कोर्स ये है कि उन्होंने रोल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया ना हाँ आई एम गेटिंग यू लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता आपने देखे वो सारे रोल हाँ हाँ मैंने देखा है बिल्कुल देखा ठीक है, है। आपको अगर ऑफर हो भारत से काम करने की तो करेंगे मुझे इंडिया से बिल्कुल शौक नहीं जाने का मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार मिलता है मुझे पाकिस्तान पे फख्र है मैं यहीं की हूँ मैं यहीं रहूँगी आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर लेकिन जो जाते हैं वो भी यहीं के होते हैं और यहीं रहते हैं सिर्फ काम करने वहाँ जाते हैं तो अरे वो जाते हैं आई डोंट नो उनकी चॉइसेस हैं वसीम ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वसीम आप बड़ी देर से मेरा प्रोग्राम हाईजैक करके बैठे हैं मेरा मेहमान को मेरी मेहमान को मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कहाँ से पकड़ा आपने उकाड़े का डांसर जी सर ये क्या बेहूदगी है अच्छा मुझे नीलम ये बताइए कि एक शख्सियत है हाँ। बहुत मशहूर पेशावर से उनका ताल्लुक है जब कलाम फरमाते हैं तो कहते हैं हाय गाइस आई एम नासिर खान जान और मीर एक खिचड़ी पक रही है मीरे और नीलम मुली ये क्या बात है जरा हमारे नासिर को तो देख रहे हो बड़े सोशल मीडिया के वो स्टार हैं और ठीक है वो फेमस हैं इसमें कोई शक नहीं है हाँ हाँ और क्या बोलना है नासिर खान जान के बारे में आप वो दावा ये कर रहे हैं वसीम वो दावा कर रहे हैं कि वो नीलम लड़ नहीं यार क्या दावा कर रहे हैं सर वो कह रहा है कि वो नीलम मुनीर के साथ एक फिल्म साइन कर चुका है अच्छा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है वो चाहते हैं कि उन्हें ब्रेक मिले मतलब ये नहीं कि मेरे साथ मिले वो डेफिनेटली काम करना चाहते हैं आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ मैंने भी इंडिया में काम किया भाई हाँ फिल्म में नहीं वर्कशॉप में चलो इंडिया की फिल्में मयार के एतबार से पाकिस्तान की फिल्मों से बेहतर है इंडिया के ड्रामे मयार के एतबार से पाकिस्तान के ड्रामों से बेहतर है नहीं नहीं पाकिस्तानी ड्रामे बेहतर है तो फिर ये व्हाट इज रॉन्ग विद आवर फिल्म नहीं नहीं इंडियन लोग खुद ही बोलते हैं मुझे इंडियन फैंस नहीं मैं डिसएग्री नहीं कर रहा मैं तो फर्दर सवाल पूछ रहा हूँ क्या कि अगर ड्रामा इंडस्ट्री में हम उनसे आगे निकल गए हैं तो फिल्म में क्या प्रॉब्लम है फिर हम वहाँ क्यों आगे निकल सकते
एक्सेप्टेंस ओके हाँ या ना में जवाब इमरान खान पाकिस्तान की बेहतरीन सियासतदान है एब्सोल्युटली बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सबसे हैंडसम सियासतदान है बिल्कुल ओके शाहिद आफरीदी आपके सबसे फेवरेट क्रिकेटर हैं बिल्कुल हैं ओके इन लोगों के लिए एक लफ्ज मैं कुछ नाम लेता हूं आप एक लफ्ज में उनको बता दें एहसन खान हीरो इमरान खान लीडर शाहिद आफरीदी फखरे पाकिस्तान फखरे आलम सिंगर आमिर लियाकत बाजीगर नीलम मुनीर अल्लाह की बंदी महविश हयात पैकेज सबा कमर फिनोमिनल एक्ट्रेस बुशरा अंसारी मेरी जान जावेद शेख हैंडसम बासित अली माय फेवरेट और सर आपको शौक इतने अरसे से आपके प्रोग्राम में खामोश रहने का आपको सिला सिला मिल गया खबर का फल मीठा चलेंगे नीलम मुनीर साहब थैंक यू जी मेरे ख्याल से आपने आपकी सारी उम्र की तपस्या एक तरफ बासित अली का वो चुप करके बैठना एक तरफ वैसे बात सही की है मैंने वैसे मुझे लगता है नीलम को चश्मा पहनना पड़ेगा मेरे चश्मा लगा हुआ है मैंने अभी भी लेंसेज लगाए हैं आई लाइक योर एटीट्यूड जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा और क्या समझाया दिस इज आई एम नॉट गोइंग टू टेल बता बासित भाई क्या समझाया आपने हमें नहीं समझा रहे आप कुछ नहीं आप क्रिकेट मैं आपसे कह रहा हूं मैं कोई आपसे समझना चाहता हूं आप मुझे भगा रहे मैं वुमेन का कोच भी रह चुका हूं ना नहीं नहीं बस हमें भी बता दे अकेले अकेले हमें तो बताया सर मैंने अपनी लाइफ में पहला आदमी देखा है जो अपनी बात पे खुद हंसता है ये जो आपने हंसी दी है ये गलत उलाम असली हंसी उदाब नहीं होता उदाब नहीं होता अदाब होता है जी 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 सर आप वैसे लड़कियों के अलावा भी किसी को मशवरे देते हैं यार आप तो बैठो मेंढक लगे हो चले ठीक है नीलम मुनीर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस बहुत बहुत शुक्रिया नीलम मुनीर साहब के लिए बहुत सारी तालियां थैंक यू एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं अच्छा जी चले कोई बात नहीं कोई बात आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश और ज़रा हम आपको बताते हैं कि अब यहाँ क्या सूरत हाल है क्योंकि आज हमने प्रेडिक्शंस ली नहीं हम 8 मार्च को मैं सही कह रहा हूँ 8 मार्च को हमारा दोबारा प्रोग्राम होगा जो कि 17 मार्च तक फिर आप रोजाना देख सकेंगे तब हम 9 मार्च को खेले जाने वाले मैचेस के बारे में प्रेडिक्शंस लेंगे बल्कि और 9 मार्च से पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में भी आ रहा है तो इस हवाले से तमाम पाकिस्तानी बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं भरपूर तालियों में बड़ी जबरदस्त खबर है वासिम भाई कि पाकिस्तान सुपर लीग के 8 मैचेस कराची में हो रहे हैं वासिम बहुत जबरदस्त है वासिम भाई और मतलब हमारी तो ख्वाहिश है कि पूरा पीएसएल पाकिस्तान में आ जाए हो जाएगा तमीर भाई अगला पीएसएल पाकिस्तान में पूरा इंशाल्लाह अगला पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन इससे ज्यादा मैचेस हो जाएंगे इंशाल्लाह राइट और जरा हम आपको यहाँ की सूरत हाल बताते हैं वैसे कल बड़ी दिलचस्प बात है कल कराची किंग्स का मुकाबला था मुल्तान सुल्तान से ये बड़ा अहम मार्का था अगर कराची किंग्स कल का मैच हार जाता तो कराची किंग्स का टूर्नामेंट में फंस जाता कराची किंग्स अभी भी फंसा हुआ है लेकिन सिचुएशन ज़रा नॉर्मल हो गई है थोड़ी सी और मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट से आउट हो गया यहाँ बैठे हुए लोगों से हमने पूछा पहले हमने पूछा बाजी सारा से कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा इन्होंने कहा मुल्तान फिर हमने पूछा भाई असगर भाई से कौन जीतेगा उन्होंने कहा मुल्तान कराची हार जाएगा फिर मेरे दिल को कुछ उम्मीद हुई कि कन्नान मेरा भाई जो है वो कुछ उम्मीद दिलाएगा मैंने कहा जी कन्नान भाई उन्होंने कहा कराची हार रहा है मुल्तान जीतेगा बिल आखिर मैंने बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से अली मोहम्मद खान साहब को देखा उन्होंने भी कहा मुल्तान जीतेगा कोई सीन ही नहीं है कराची के जीतने का मेरी आखिरी उम्मीद नन्हे मियाँ थे हमने कहा देखते हैं नन्हे मियाँ क्या कहते हैं उन्होंने कहा कराची जीतेगा ऐसा ही हुआ कराची जीत गया सिर्फ मुल्तान नहीं हारा ये चारों भी हार गए गए वसीम भाई हंस रहे ये नहीं खड़ा वसीम भाई नहीं ये नहीं यार ये कौन
अच्छा कनाम है नन्ने मियाँ की तरफ से एक सवाल है, वो पूछ रहे कैसा दिया? अच्छा दिया, मजा आया। हाँ कराची जीता है। अच्छा ऐसा पहली मरतबा भी नहीं हुआ, इससे पहले भी कराची का मैच था, चारों ने कहा था हारेगा, नन्ने मियाँ ने कहा था जीतेगा और वो जीत गया। मेरे पास एक पॉइंट है ना, क्या मसला है? सबने बोला था इंक्लूडिंग नन्ने मियाँ सेट के। हाँ एक दफा का जिक्र है जब सबने कहा था। I have that point, I'm very happy about लेकिन नन्ने मियाँ कराची किंग्स as well। नन्ने मियाँ वाहिद हैं जिन्होंने जो दो मरतबा ऑड मैन आउट थे और वो ठीक हुए, आप सब गलत हुए। शहीदी साहब नहीं, नन्ने मियाँ का नन्ने मियाँ की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँ कि उनका इल्म हमसे बेहतर लग रहा है। अच्छा अली भाई क्या नन्ने मियाँ का सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है? नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, नन्ने मियाँ की हो सकता है, नन्ने मियाँ का सितारा उरूज पे हो। अच्छा मैं बताऊं, मैं तो कहता हूं भाईजान एक नन्ने मियाँ की दुकान भी इधर लगा दे। नहीं के साथ वो भी बैठा हो तो के साथ क्यों यार, सबसे ऊपर बैठाना चाहिए उसे। हां बैठाना ऊपर चाहिए है ना जी। वसीम भाई फैक्ट ये है कि जब हम लोग सब एक टीम बोल देते हैं तो नन्ने मियाँ से अक्सर वो प्रेडिक्शन चलाई जाती है जो उनकी ऑपोजिट होती है, तो कभी ना कभी तो ये होना होता है ना कि उनकी अकेले की सही है हमारी ये तो इल्जाम है। कसम से ये नन्ने मियाँ से भी हार खाते हैं। आठ एपिसोड यार उसको तो बख्श दो भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं आई करना, उसको तो बख्श दें ये लोग। कि जब तक मैं चार सालों से देख रहा हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कभी, लेकिन ये कि मैं आपको वैसे चार सालों से नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीम भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब क्या चीज? मैं कहूं कि नन्ने मियां ठीक है, ये फैक्ट बता रहा हूं भाई, ये कहे कि जब हमेशा इसका मतलब ये मैं बताऊं स्पोर्ट्समैन। चल मैं बासित भाई को दे, मैं क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है, आप खड़े होकर तालियां बजाओ उसकी, ये बात ये स्पोर्ट्समैन ये खड़े होकर बोला जिस तरह हम नन्ने मियां के लिए बजा रहे हैं, हम नन्ने मियां के लिए बजा रहे हैं, हमने जिस तरह नन्ने मियाँ के लिए बजाया मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी होती है, एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी। आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो एक मेंडल का कानून होता है, उसमें होता है कि आप 100 दफा सिक्के भेजेंगे तो दो दफा सिक्का ऐसा होगा कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर चल रहा होता है बंदर। वसीम भाई इन्होंने भी ना आफताब भाई वाली बात कर दी जी भाई जान, आपने खड़े होके क्यों नहीं कहा, आपने पैंट नहीं पहनी हुई? नहीं मतलब खड़े होके कहा तो आप भी बता देना। कनान भाई आप सुनाए, आपको तो सारे ही कॉपी करते थे, ये नन्ने मियाँ ने तो नहीं कॉपी किया आपको? नहीं मैं बता रहा हूँ ना कि नन्ने मियाँ जो है उन्होंने ऑपोजिट प्रेडिक्शन दी है, वो ठीक हुई है, अच्छी बात है कराची जीता है। प्रेडिक्शन तो यार आज भी गलत हुई है लेकिन कल कराची जीत गया तो इसकी ये सफाइयां ऐसे दे रहा है खुदा। अच्छा ऑन अ सीरियस नोट अदालत में नून लीग ने अपना मुकदमा दफा नहीं किया जैसे ये शख्स करता है। भाई जान मैं तो कहता हूं ये गुस्से वाली हंसी थी, इनको बेच के ना 1500 के चार नन्हे मियां और आएंगे। नहीं हम लोग अनमोल हैं, हम दिखाओ हम अनमोल हैं, बात करो आप अगले वेल डन यार वेल डन नन्हे मियां और आएंगे जी भजन। क्या बात है क्या बात है, स्कोर कार्ड देख ले मेरा पर्सनल। अच्छा वसीम भाई मुझे वसीम भाई ऑन अ सीरियस नोट, हां ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, नन्हे मियां इज लाइक डूइंग अ तुक्का थिंग एंड वी आर वर्किंग विद आवर डेटा। क्या बात है, हाउ कैन यू से दैट? ये एक सही बात है, नन्हे मियां कैन आल्सो हैव द सेम ओपिनियन दैट यू गाइस आर डूइंग अ तुक्का थिंग। आई वर्क राइट नाउ तो मेरे पास तो एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट मायसेल्फ 67 to 67। टॉक अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज फाइन, हाउ कैन यू टॉक अबाउट नन्हे मियां जो तुक्का मार रहे हैं? नो वी ऑल नो ऑक्टोपस नहीं होता फुटबॉल में, वो भी तुक्का होता है भजन। अच्छा एक मिनट, अगर वो तुक्का करके भी इतना ठीक जा रहा है तो उसका तुक्का ही ठीक है मेरे यार, वो तुक्के में भी इतना अच्छा है, वो तुक्के में हमसे अच्छा है। बताओ वसीम भाई उसका टेलीफोन नंबर चला दे स्क्रीन पे नन्हे मियां का जी, टेलीफोन नंबर चला दे दुनिया उन्हीं के पास, उनसे रابطہ कर सकते हैं। मैं काम आगे बढ़ा लूं जी, बढ़ा लें। इस सिरे का क्या करना है, इसको आप दरिया में फेंक दें सिरे को। वसीम भाई आपको याद है, आपको याद है एक दिन आपने एक्सपर्ट से पूछा था कि कराची के कितने परसेंट चांसेस हैं, तो उन्होंने कहा था 99.9% जी हाँ। तो उस दिन आपने उनसे नहीं पूछा, मैं जवाब दे दूं? हाँ, क्योंकि मैं कराची के फोरम पे बैठा हूँ, मैं 99 क्या, मैं जितने भी मैच होंगे मैं कराची बोलूंगा। चलो पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बारह नन्हे मियाँ पीछे हैं। अब तक के जो पॉइंट्स टेबल है उसके मुताबिक टॉप पर हैं इन चारों में से कन्नान साहब और बाजी सारा, जिनकी 15 प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं, दोनों के लिए बहुत सारी तालियां जबरदस्त। शहीदी साहब हैं दूसरे नंबर पर जिनके पॉइंट्स हैं 13, जबकि अली मोहम्मद साहब और नन्हे मियाँ और नन्हे मियाँ बराबर हैं। हाँ तो क्या हो गया इसमें, नीलम मुनीर साहब ये नन्हे मियाँ आएंगे।
नन्ने मियाँ की कोई प्रेडिक्शन दिखा सकते हैं कल वाली पड़ी में? वैसे एक ये है नन्ने मियाँ, नन्ने मियाँ अली भाई के आगे यूं है। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, आई जस्ट टेल यू हु इज नन्ने मियाँ, मैं दिखाता हूँ। कल हमने पूछा कराची वर्सेस मुल्तान कौन जीतेगा, सबने कहा मुल्तान जीतेगा। हमने नन्ने मियाँ से पूछा, उसने क्या कहा, ये देखें दिखाइए। लाहौर कलंदर का और इस्लामाबाद का मैच है। हमने दूसरे मैच की प्रेडिक्शन दिखाई, लेकिन ये नन्ने मियाँ, आप चाहें तो आप भी खड़े होकर तालियां बजा सकती हैं इसके लिए, आपकी मर्जी है अगर आप चाहें तो। Crazy, I didn't know it's नन्ने मियाँ, oh my god, it's funny, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। नन्ने मियाँ मियाँ क्या नसीब डाले हैं, क्या नसीब पाए, वो खड़ी होकर ताली बजा रही है। भाई आपका इसमें क्या कमेंट है, चारों की प्रेडिक्शन गलत हुई, नन्ने मियाँ की ठीक हुई, योर कमेंट? अब बंदर है, बंदर कुछ भी कर सकता है वसीम। तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एग्जैक्टली देगा शिकार। हमारी भी हर प्रेडिक्शन ठीक नहीं होती, मेरी भी हर प्रेडिक्शन ठीक नहीं होती, आप रखेंगे तो वो जाएगा, तो कोई ना कोई चीज तो सेलेक्ट करेगा ना बंदर, कुछ तो बोल नहीं रहा वो, तो चीज राइट। चलें ये प्रेडिक्ट करते हैं। वैसे जी बासित क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, बासित भाई चीटिंग हो रही थी। हाथ पकड़ यार, हाथ इन्होंने पकड़ा, ये आप लोग क्या रहे? आप ऐसे हाथ पकड़ रहे सोफे पे जंप लगा यार, आप नन्ने मियाँ के क्लास में यार, आप हर बात में क्यों बीच में बोलते हैं? आप इसको बांध के शादी का इंतजाम करें अपना, बीच में बैठा हूँ ना भाईजान, आपको सिगरेट पीने के लिए दिए थे, आपने बीच में टांगे बसा दी। हिम्मत हिम्मत रखे, क्या वक्त प्रोग्राम का खत्म होने लगा। अच्छा चले बेटी, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जाते नहीं थे मुझे बता दिया रात में का, लेकिन शादी का फिलहाल कोई इरादा विरादा नहीं आपका? नहीं अभी, पहले ब्रेक में बात की है लोरी पे रखती हूँ, ठीक है, सॉरी, बहुत रिश्ते हैं लेकिन मैं अभी फिलहाल कोई मूड नहीं, ठीक है, आप आराम करें, चलिए। ओ अच्छा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो, बहुत सारी तालियां हमारी आज की मेहमान नीलम मुनीर साहिबा के लिए। आप लोगों से कल मुलाकात होगी 11 तारीख में, 8 मार्च को इंशाल्लाह हम दोबारा हर लम्हा पुरजोश के प्लेटफॉर्म पर हासिल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नासिर, देखते रहिए हर लम्हा पुरजोश, आसमां के दोष में खेल की आगोश में हर लम्हा पुरजोश।